शुरू कर दो। जो हमें नहीं चाहिए उसे फेंक दो और लंच टाइम तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए ना? ठीक है, चलो जल्दी से साफ कर देते हैं। यहाँ तो बहुत सामान है। अरे वाह, मुझे एक एल्बम मिली है। जरा ये तो देखो, मेरी बेबी पिक्चर्स। मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ ना? हाँ बहुत। कैसा लग रहा है? अरे वाह, वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे डोरेमोन। क्या कहा, बचपन के अच्छे दिन? मतलब तुम्हें याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन इन फोटोज को देख के मैं कह सकता हूँ कि पहले जब मैं छोटा था तो सब मुझसे प्यार करते थे और बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे। क्या हो रहा है यहाँ? तुमने तो कुछ भी साफ। जल्दी से काम खत्म करो। मैंने कहा जल्दी से काम शुरू करो, समझे? फिर खेलने चले जाना। देखा तुमने, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जब मैं छोटा था तब वो मुझ पर ऐसे नहीं चलाती होंगी। नोबिता उठो, हमें सफाई करनी है। हाँ हाँ, मुझे पता है। ओ चलो जल्दी से साफ करते हैं। ओ, 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 हे! आ, 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 क्या तुम ठीक हो नोबिता? अरे तुम्हें चोट लग गई है। खून! ओ नहीं मॉम, मॉम मुझे चोट लग गई। मॉम, मॉम जल्दी आओ। क्या बात है नोबिता? मॉम मुझे खून आ रहा है, देखो। लेकिन ये हुआ कैसे? मैं गिर गया था। तुम बहुत लापरवाह हो नोबिता, और ये चोट तुम्हें इसी वजह से लगी है। मुझे लगा इसको बहुत ज्यादा चोट लग गई होगी। क्या? देखा तुमने, उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मेरे बड़े होने के बाद सभी लोग मेरे साथ बुरी तरह पेश आते हैं। पर इसके जिम्मेदार तो तुम खुद ही हो ना नोबिता। ओ, मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से अपने बचपन में लौट जाऊँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। समझा। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी मदद करने के लिए। क्या सच में? सोल टाइम मशीन। ये गैजेट एक तरह की टाइम मशीन है। पता है, ये मशीन तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे पुराने वाले शरीर में भेज देगी। क्या कहा, मेरी आत्मा चली जाएगी? सही कहा, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से निकलकर बचपन वाले शरीर में चली जाएगी। अच्छा मैं समझा, लेकिन डोरेमोन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरी आत्मा मेरे बचपन के शरीर में चली जाएगी तो बताओ कि मेरी बचपन वाली आत्मा कहाँ जाएगी? चुप क्यों डोरेमोन? मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगा, तुम बताओ करना चाहते हो या नहीं? जरूर करना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि मैं पास से वापस तो आ पाऊंगा ना। जब मैं टाइमर करूंगा तब तुम सीधे खड़े रहना। मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ जब तुम एक साल के थे। जरा तुम अपना सर नजदीक लाओ। ये लो। तैयार हो जाओ, मैं शुरू करता हूँ। अच्छा ठीक है। काम पूरा हुआ। कभी कभी अपने बचपन की यादों में जाना भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ? ये क्या? ये फिर से आराम कर रहा है? नोबिता, नोबिता क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? नोबिता, ओ? अरे मैं कहाँ पर हूँ? मैं छोटा बच्चा बन गया। ये, मैं छोटा हूँ। ये। तुमने इतनी देर इंतजार किया, मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हारे दूध का टाइम हो गया। ओह कितने प्यारे हो। ओह मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें भूख लगी है? मैं सोच रही है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम तो बहुत अच्छे मूड में लगते हो। ये लो पूरा पी लो ताकि तुम बहुत जल्दी से बड़े हो जाओ। अरे क्या हो गया बेटा?
कहीं ये दूध ज्यादा गर्म तो नहीं? ये तो बहुत गर्म है। पी लो नानू बेटा। अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ पीऊं तो मेरे लिए ठंडा कोका कोला ले आइए। मुझे कोका कोला नहीं मांगना चाहिए था। ये नहीं हो सकता, नोबिता तो अभी बच्चा है, कैसे बोल सकता है? क्यों, है ना मॉम? लेकिन इतना छोटा बच्चा ये कैसे मांग सकता है? उसने सच में बिल्कुल यही कहा था। ये दूध में तो चीनी भी नहीं डली हुई। बच्चा है, चलो चल के देखते हैं। देखो ये दूध पी रहा है। पता है बच्चों को दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? नोबिता कैसा जायका लग रहा है? डैडी। क्या तुमने सुना, इसने मुझे डैड कहा। बेटा क्या तुम मॉम कह सकते हो? मॉमी और ग्रैंड मामा। इसने मुझे मॉम बुलाया। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। नोबिता तो एक जीनियस बच्चा है। आगे जाकर हमारा नाम रोशन करेगा। ये बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। मॉम ने पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा। मुझे यकीन है कि ये बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। वो लोग इतनी छोटी सी बात पर इतना खुश हो गए हैं। अगर मैं उन्हें इतना खुश कर दूंगा तो बाद में वो मायूस हो जाएंगे। मुझे ध्यान रखना होगा। ये बच्चे की जिंदगी कितनी अच्छी होती है। डैड मेरे साथ हर समय खेलते हैं। मजे आ रहे हैं। बड़ाओं का खूब नाम करना। क्यों नोबिता, बताओ कहाँ चलना चाहते हो? और मैं बिना चले कहीं पर भी जा सकता हूँ। चलो बेटा पार्क में चलते हैं। अरे वाह, तुमने बॉल पकड़ ली। तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। हर बात में मेरी अच्छाई ही होती। और मुझे किसी भी बात पर डांट नहीं पड़ती। मैं जब तक चाहूँ तब तक सो सकता हूँ। बच्चे की जिंदगी तो कमाल की है। चलो नोबिता, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया बेटा। मैं तुम्हें लोरी गाकर सुनाऊंगी और तुम अच्छे बच्चे की तरह सो जाना, ठीक है? हाँ, अच्छी तरह सो जाओ। हाँ, सो जा मेरा राजा बेटा, सो जा मेरा राजा बेटा, मीठे सपनों में खो जा, सो जा मेरा राजा बेटा। नोबिता, नोबिता, नोबिता। मॉम। नोबिता, तुम होश में आ गए बेटा। मैं वो क्या? मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बेटा तुम ऐसे बेहोशी में लेटे हुए थे, मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी मॉम? बिल्कुल बेटा, मुझे लगा जैसे कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। क्या सच में? मेरी टांगे अभी भी कांप रही हैं। मुझे लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो गया है। मैं थोड़ी देर लेट कर आती हूँ बेटा, तुम ख्याल रखना। ये मॉम को क्या हो गया? पता है डोरेमोन, मॉम सोच रही थी कि मैं मर गया हूँ। मेरी वजह से वो बहुत परेशान हो गई हैं। मुझे लग रहा है कि उनके बाल और भी ज्यादा सफेद हो गए हैं। मॉम पर तरस आता है, तुम्हारी शरारतों से मॉम हमेशा परेशान रहती हैं।